खंडवा मंदिर गुजरात के वडोदरा जिले के नवापुरा में स्थित है। खंडवा मंदिर का निर्माण साल 1786 में महाराजा फतेह सिंह गायकवाड़ ने करवाया था। क्षत्रिय मराठों के देवता का मंदिर है यह। यह वह स्थान है जहां तालाब के पास से खंडोबा की मूर्ति मिली थी। यह भैरव शैली में घोड़े पर भगवान शिव की मूर्ति है। यात्रा करने के लिए बहुत ही अच्छी ऐतिहासिक जगह है यह। शहर के लोगों के अनुसार खंडेराव भगवान की मूर्ति तालाब के अंदर पाई गई थी। कहानी यह है कि यसुबाई नाम की एक महिला ने तालाब के बारे में सपना देखा था। सपने में उन्हें खंडोबा भगवान की मूर्ति तालाब के अंदर होने का आश्वासन हुआ था। इस मामले की जांच के लिए उस समय के गायकवाड़ी राजा ने मूर्ति की खोज करवाई और काफ़ी प्रयासों के बाद तालाब से मूर्ति की खोज की गई और बाद में मंदिर का निर्माण करवाया गया। मंदिर का एक विशाल प्रवेश द्वार है। मंदिर में विशाल प्रांगण भी है। प्रांगण में प्रवेश करने के बाद मुलाकातियों को बधाई देने वाली पहली चीज स्मारकीय दीपमाला है। इसके बाद मुख्य मंदिर है। यह मुख्य मंदिर अन्य मंदिरों की तुलना में एक छोटी संरचना है। मंदिर में गुंबद के अंदरूनी हिस्सों पर सुंदर सुंदर पौराणिक चित्र देखने मिलते हैं। यह चित्र रामायण महाभारत के विषयों पर आधारित है और समुद्र मंथन का चित्र भी देखने मिलता है। हर साल चंपा षष्ठी की पूर्व संध्या पर मंदिर एक छोटे से मेले का केंद्र बन जाता है। इस दिन विशेष रूप से देवी महालसा के साथ भगवान खंडोबा के विवाह का जश्न मनाया जाता है और पालकी भी निकाली जाती है। इस त्यौहार के बारे में जो बात अलग है वह यह है कि पूरा मंदिर हल्दी की चादर में ढक जाता है। इस त्यौहार पर भक्त हल्दी से होली खेलते हैं और यलकोट जय मल्हार का जाप करते हैं। शाही परिवार के साथ शहर के लोगों के लिए मंदिर 2 सदियों से अधिक समय से आस्था का केंद्र रहा है और अब भी है। शाही परिवार के साथ शहर के लोग भी चंपा षष्ठी त्यौहार को हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। वडोदरा के इस मंदिर की यात्रा कैसी लगी जरूर बताइएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो जल्दी मिलते हैं एक नई जगह पर और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।